कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम आत्मसुख प्रकाशाय और दीप ज्योति नमोस्तुते मंगलम भगवान विष्णु देख सकते हैं इस समय जो फूलदेई त्यौहार है, फूलदेई जो पर्व है वो यहाँ पे मना रहे हैं इंटर कॉलेज नाग जगह में। आप देख सकते हैं पूरे जो बच्चे लोग हैं पूरा डांस करते हैं कर रहे हैं भोगा माता के साथ। आप देख सकते हैं पूरी तरह से हर्षोल्लास के साथ ये पर्व यहाँ पे मनाया जा रहा है। इसके पश्चात आप देख सकते हैं ये जो पूरे विद्यार्थी हैं स्कूल के जो बच्चे हैं टीचर हैं सब लोग मार्केट तक जाएंगे होगा लेकर के फूलदेई त्यौहार मना रहे हैं। देख लीजिए इस समय आगे से बाजा वगैरह हम कह सकते हैं ढोलक आगे से जा रहा है घंटी वाले से जा रही है। पीछे से देख लीजिए आप भोगा माता साथ में जा रहे हैं सभी विद्यार्थी लोग। आप देख सकते हैं पीछे से मैं आगे चल रहा हूँ और पीछे से देख लीजिए पूरी स्कूल जो है बच्चे जो हैं मार्केट आ रहे हैं गांव में आएंगे गांव में फूलदेई का त्यौहार मनाएंगे फूल डालेंगे। आप देख सकते हैं फूलदेई त्यौहार है बच्चों के द्वारा मनाया जा रहा है इंटर कॉलेज नाग जगह के बच्चों के द्वारा मनाया जा रहा है। आप पीछे देख सकते हैं ये सभी विद्यार्थी जो हैं इस समय आ रहे हैं। जो ये फूलदेई पर्व है जो पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है इस समय जो है ग्राम पंचायत नागजगह के चौक में है। क्योंकि जो भी मैंने बताया था आपको बार बार बताता हूँ जो भी सार्वजनिक कार्य होते हैं देव कार्य होते हैं इसी चौक में मनाए जाते हैं। तो पूरे स्कूल के जो विद्यार्थी हैं टीचर अध्यापक वगैरह सब लोग इस समय यहाँ पे आए हैं और इसी पंचायत चौक में जो है जो डोली है उसका जो है यहाँ पे फूलदेई पर्व मनाया जा रहा है। देख सकते हैं त्यौहार उत्तराखंड की संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। हर वर्ष यह त्यौहार चैत्र मास की प्रथम तिथि से शुरू होकर 8वीं तिथि तक मनाया जाता है। गढ़वाल क्षेत्र में ये 8वीं तिथि तक मनाया जाता है किंतु कुमाऊं क्षेत्र में ये पूरे माह मनाया जाता है। हर वर्ष
सरकार द्वारा ये विद्यालयों में मनाए जाने की परंपरा शुरू की गई है और इस वर्ष विद्यालय द्वारा ये कार्यक्रम विद्यालय में मनाया जा रहा है। इस दिन या इन पूरे तिथियों के दौरान बच्चे शाम को ही अपनी डलियों में फ्यूली के फूल और बुरास के फूल एकत्रित करते हैं और सवेरे सवेरे पूरे गांव में हर देहरी पर जाकर इन फूलों को डालते हैं और पूरे समस्त गांव की मंगल कामना करते हैं। साथ ही इस दिन लोग अपने घरों को गोबर आदि से लीप कर शुद्ध करते हैं और जौ की बालियां भी लगाते हैं। फ्यूली का त्यौहार ऐसा माना जाता है कि पहाड़ में एक राजकुमारी थी जिसका नाम फ्यूली था, जो कि दूर प्रदेश में ब्याही गई और जब वो दूर चली गई तो बड़ी उदास रहने लगी और धीरे धीरे वो उसे मायके आने का बहुत ही कम समय मिलता था या उसे मायके नहीं आया, ब्याह के बाद उसे मायके नहीं आने दिया गया, जिससे वो धीरे धीरे मुरझाती गई और अंत में यूं कहा जाता है कि उसकी मृत्यु हो गई। ससुराल वालों ने उसे कहीं जंगल में दबा दिया और उसके कब्र के आसपास फ्यूली के फूल खिले और तब से उत्तराखंड में फ्यूली का त्यौहार या फूल देई का त्यौहार मनाने की परंपरा शुरू। धन्यवाद धन्यवाद। सामने ही अवस्थी जी हैं, उनका ये कुछ दिन पश्चात यानी कि मैं कह रहा हूँ कि पहली तारीख को रिटायरमेंट है और इंटर कॉलेज नागदेवल के लिए अभी समर्पित यहाँ समर्पित हैं, यानी कि इससे पहले भी जहाँ जहाँ ये रहे बहुत ही अच्छा कार्य किया, सराहनीय कार्य इनके रहे और पहली तारीख को ये सेवानिवृत्त होंगे। तो आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, यदि पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करें, यदि मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय बाबा केदारनाथ, जय मां दुर्गे, जय भैरवनाथ।